गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी दिवाली। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह हम अपने काम में लग गए हैं, दीपावली की तैयारी शुरू हो गई है। पहले सबसे पहले तो खाना स्टार्ट हो गया था, तो हमने बनाया था कचौरी, पूड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। इसमें से बनाए थे पनीर की सब्जी और बनाए थे चावल, दाल, सूरन की सब्जी। तो होता ना कि दीपावली के दिन सूरन की सब्जी तो ज़रूर खानी चाहिए। और यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे, हर्ष और विश्वा। और घर पे भी मतलब मेरे गेस्ट आए थे, गेस्ट मतलब मेरी ननद आई थी, उनके बच्चे आए थे, तो ये सब यहाँ पे साथ में बैठ के इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे है देखो चीकू और चीकू के बड़े भाई, मतलब मेरी जिठानी है, उनका बच्चा है ये। और ये दोनों ननद की लड़कियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी हैं। और यहाँ तो सिद्धि को आप पहचान ही रहे होंगे। तो ये लोग बहुत अच्छी है, बहुत मस्ती कर रही थी। एक्चुअली बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ थी, इस वजह से हमने खुद से अपनी आवाज़ डाली। ये लोग कुछ कह भी रही थी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा, पर उसकी वजह से हम आवाज़ नहीं सुना सकते थे। तो ये हमारा प्यारा सा बेटा और ये हमारी नंद की लड़की कृति, जिसका नाम है। ये लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। और यहाँ पे सब कजिन्स मिले थे, तो सब आपस में मस्ती कर रहे थे। ये सारे कजिन्स हैं, तो आप देख सकते हो ये सब। और ये बोल भी रही थी, कुछ तो बोल रही थी, पर एक्चुअली ना हम आवाज़ सुना नहीं सकते क्योंकि क्लियर ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मुझे इनकी आवाज़ को स्टॉप करके अपनी आवाज़ देनी पड़ी। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत मस्ती करी, मतलब खूब बहुत सारी बातें। एक्चुअली बहुत टाइम बाद ये लोग मिले थे, तो इनकी तो मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि भैया बस करो, कितना कितना वीडियो बनाऊं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फिर सब लोग चले गए। तो कर दिया। और आप देख सकते हैं कि तो मैंने मतलब कुछ बोला नहीं था, पर वही है ना, रोड पे घर है तो नॉइज मतलब गाड़ी कितनी ज़्यादा आ रही है। तो ये बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे पता नहीं, किसी को नहीं पता। मैंने स्कूल वाला रंगोली बहुत अच्छा दिखाते हैं, अपनी सारी रंगोलियाँ। और उसके बाद फिर हमने आंगन में, हमें बहुत अंधेरा हो गया, दीदी बोल जल्दी जल्दी करो, फिर उसके हमने सिंपल सी रंगोली एक स्वस्तिक बनाया वहाँ पे। तब तब दीदी ने फटाफट दिया लगाया। और उसके बाद हमें तो तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। दीदी बोली जब पूजा का टाइम हो गया है, पूजा शुरू करना है। फिर हम गए साड़ी पहन कर, कोई मेकअप नहीं, कुछ भी हम तैयार, ऐसा लगे कि हम दीपावली इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला तैयार होने का बिल्कुल भी। और घर में सब तैयार हो गए, सिर्फ मैं और दीदी रह गए थे। तो यहाँ पे सब दीप जल गए हैं और यहाँ पे आके से मतलब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर मैंने सारे प्रोसेस किए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार घर पे गांव में रुके थे, मतलब दीपावली पे ऐसा सब कुछ पहली बार कर रहे थे। जय बाबा, बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सब लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं और बस अफसोस इस बात का कि रंगोली इतनी अच्छी नहीं बन पाई जितना हमने सोचा था, कि बहुत जल्दी में हमने बनाया और पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कब बीत जाएगा। क्योंकि होता है ना, घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो आपका समय कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। सबके साथ बड़ा मज़ा भी आया। और पर यहाँ पे पीने के टाइम पर थोड़ा लेट हो गया, हम तैयार नहीं हो पाए। सबसे मतलब बुरा तो यही लगता है कि कोई गेस्ट तैयार ना हो पाओ। फिर भी मैंने सिंपल सा लुक रखा था, साड़ी पहनी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और इतना सुंदर उसका लग रहा था, हमने कोई भी मतलब कैंडल नहीं जलाया था, सब कुछ मतलब सारे दिए जल रहे थे हमारे घर पे, सब कुछ मतलब इतना चमक रहा था। हमने लाइट ऑफ कर दी थी, सिर्फ दिए की रोशनी हमारे घर में हर जगह सिर्फ दिया जल रहा था। और आप देख सकते हो उसके बीच में मैं भी कितनी अच्छी लग रही हूँ, तैयार नहीं फिर भी अच्छी लग रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे ये लड़की अपना तारीफ खुद करती है ताकि आप लोग सुन सको। और ये आ गए फाइनल अपने रूम में। यहाँ पे मैं दिए लगा रही थी तो रिद्धि ये कैमरा लेके पहुँच गई थी, तो मैंने आप लोग के साथ दिखाया और सेलिब्रेट किया। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा रूम, बहुत प्यारा लग रहा था। और हम यहाँ पे बस इंजॉय कर रहे थे दीपावली। तो आप लोग बताइए आप लोग की दीपावली कैसी बीती है, कैसा हुआ, आप लोग कैसा इंजॉय किए। और आप देख सकते हैं इस घर का फाइनल लुक कैसा लग रहा है, आपको दिखाते हैं। और मैं तो अंदर पूरा सजा रही थी, यहाँ बाहर में सारे दिए हमें जला रहे थे और यहाँ मैं रंगोली पे दिए रख रही थी। और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी हो। यहाँ तो हमने बहुत मजे कर रहे हैं, आज दिया जला भी इतना अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं हमारा घर पूरा चमक रहा है। तो हमने पूरी जितना हो सके हमने अपने हिसाब से डेकोरेट किया है और पूरा बिल्कुल दिए से सजाया। हमने नो कैंडल, मतलब कोई कैंडल यूज नहीं किया, हमने सिर्फ दिया यूज किया है। तो आप देख सकते हैं
पे दिए जलाने के बाद प्रोसेस शुरू हुआ लक्ष्मी गणेश की पूजन का। और अब लक्ष्मी गणेश की पूजन का सब तैयारी शुरू हो गया है। यहाँ पे दीदी सब कुछ तैयार कर दी है। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित हो गई और यहाँ पे प्रसाद और घी का दिया, नारियल सब कुछ मतलब चढ़ा दिया गया है। और इसके बाद फिर हमने भजन गाया और भजन गाने के बाद फिर हमने पूजा स्टार्ट करी है। और अभी हम लोग वेट भी कर रहे थे कि अमित जी और बच्चे मतलब रिद्धि सिद्धि सब लोग आ जाएं, उसके बाद हवन करेंगे। तो तब तक हमने भजन स्टार्ट किया, भजन गा रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे सब लोग जुटने लगे। फिर उसके बाद रिद्धि आ गई, सिद्धि, और यहाँ पे देखो जब सब लोग आ गए फिर हमने हवन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग साथ में हवन कर रहे हैं, आरती किए, बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम बाद घर पे एक साथ हवन करना, आरती पूजा करना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बहुत सारी क्लिप हमारी रह गई थी डालने के लिए, हम डाल नहीं पाए। और फिर उसके बाद यहाँ बच्चे बाहर में सब पटाखे जला रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और पता है कैमरा देख के कुछ बच्चे तो भाग भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थे पर जब रिद्धि रिकॉर्डिंग कर रही थी सब गायब हो गए क्योंकि कैमरे में अभी यहाँ पे थोड़ा सा है ना, बहुत साए हैं यहाँ पे सब बच्चे। और सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर इतना सुंदर लग रहा था। मैंने रिद्धि को बोला भी कि यार मंदिर का क्लिप नहीं बनाया तुमने, और अगर आज ऐसा ही क्लिप रहा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी हनुमान जी का। और अब देख सकते हैं सब बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। और अब हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे और मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।